metro station. Doors were open on the right. Dr. Ambedkar Chowk metro station. Darbathi. Time. नमस्कार दोस्तों, मैं बाला प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको आगरा का मेट्रो स्टेशन लेकर के चल रहे हैं और आगरा मेट्रो स्टेशन का पूरा सैर कराएंगे और बताएंगे कि कितना टिकट है, क्या कैसे है, सब कुछ दिखाएंगे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये देखिए आगरा मेट्रो का कुछ नज़ारा इस तरह से है। और ये बता दें दोस्तों, ये आगरा मेट्रो स्टेशन ताजमहल के सामने है, यानी इस मेट्रो का नाम है ताज गेट। तो लेकर के चल रहे हैं, ये देखिए एक्सलेट सीढ़ियों से नीचे लिफ्ट की व्यवस्था है। टिकट पर ऐसा लग रहा था कुछ नहीं है, यहाँ पे टिकट है। ये देखिए हमारे हाथ में टिकट है और प्लेटफार्म नंबर 2 हमारा भी हो गया। और यहाँ पे ये देखिए स्कैन कर दिया, खुल गया। तो बैक कैमरे पे आपको दिखाते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। तो ये भाई आपको ले करके आया है आगरा स्टेशन पे। ये जो स्टेशन है ये ताजमहल का स्टेशन है, अभी बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है। और यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हैं। भाई की ये पहला वीडियो है जो आगरा मेट्रो स्टेशन का बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से हम चलेंगे और नीचे, यानी कि ग्राउंड पे ही बना हुआ है। एक्सलेटर सीढ़ी दोनों है, इस तरफ बंद है, यानी कि हमें जाना होगा सीढ़ियों से। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है ये ज़मीन के अंदर बना है, काफ़ी अंदर है। और ऐसा देखने में महसूस नहीं हो रहा है कि हम ज़मीन के काफ़ी अंदर है। आप बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन काफ़ी अंदर है। ये देखिए पाँच पाँच मिनट पे मेट्रो आता रहता है। अभी ये देखिए एंट्री पॉइंट, यहाँ से पीली रेखा से दूर रहें। तो अभी हमें करना होगा वेट। बना है दोनों तरफ सुरंग, यानी कि ये ताजमहल के आगे भी जाता है, इधर दूर तक बना है। और इधर जो है कि हम जा रहे हैं बिजली घर, लास्ट स्टेशन जो है आपका बिजली घर है। और बहुत ही कम किराया है, 15 रुपये। आप ऑटो से भी आओगे तो 15 रुपये और मेट्रो से भी, तो क्यों ना मेट्रो का आनंद लिया जाए। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, आगरा से हैं या किसी अन्य शहर से हैं, इंडिया किस राज्य और ज़िले से हैं, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ट्रेन आने का मनकामेश्वर, ये मेट्रो स्टेशन की एक खास बात बताएंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। और इसमें क्या खास बात है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वो चीज़ें आपको लास्ट में बताएंगे। पहले आप ध्यान से देखिए कि ये मेट्रो ट्रेन चलती कैसे है। ये एक जो है नई चीज़ है, ये आ रही है मेट्रो। पूरा खाली है, खुल गया, पूरा का पूरा खाली है। दूसरे साइड पे भी आपका मेट्रो स्टेशन आ गया है, बैक कैमरे पे आपको दिखा सकते हैं।
प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर्स। दरवाजों से दूर हटकर खड़े हैं। बता दें दोस्तों, ये देखिए पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, इसमें पैसेंजर बहुत कम है। तो हमारा ये निवेदन है आगरा वासियों से या देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, तो मेट्रो स्टेशन का आप यूज करिए, जिससे हमारे देश में और भी प्रगति हो। ये देखिए मेट्रो स्टेशन का चार्ट बना हुआ है, यानी अभी कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चालू है, कितना चल रहा है, इस पर लाइनिंग बनी हुई है, इंगित भी करता है। इधर देखिए ये लिख रहा है नेक्स्ट स्टेशन ताज गेट से मन के मन कामेश्वर ताजपुर गेट तक ले जाता है। प्लीज हेल्प अस टू कीप आवर मेट्रो क्लीन। कृपया अपनी मेट्रो को ये देखिए आ गया है बाईं तरफ मन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन, जो लास्ट स्टेशन या पहला स्टेशन है। पूरा एसी था और ये देखिए यहाँ का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे दिया हुआ है सिकंदरा गुरुताल से लेकर के मन कामेश्वर मंदिर और दाई तरफ आपका डॉक्टर अंबेडकर चौक ताजमहल फतेहपुर रोड कैप्टन शुभम गुप्ता और ताज ईस्ट गेस्ट, यानी कि अभी मन कामेश्वर मंदिर ये लास्ट स्टेशन है, इसके बाद मेट्रो आगे नहीं जाती, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन का काम है। और हम बता दें आपको दोस्तों, हमें एक चीज़ ये नहीं समझ आया कि ये मेट्रो स्टेशन चलता कैसे मेट्रो, यानी एक तो होता है इलेक्ट्रिक से, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोई भी वायर नहीं है। तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चलता कैसे है। तो ये देखिए लास्ट स्टेशन है मन कामेश्वर, यहाँ से मेट्रो स्टार्ट है और यहाँ पे बहुत से लोग देखिए राजस्थान से आए हुए हैं, कुछ लोग जो है मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको मेट्रो अगर आगरा में आए हैं तो मेट्रो का सफ़र ज़रूर एक बार करिए, बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल भीड़ भाड़ से कम, अलग है एसी और बहुत ही कम किराया है दोस्तों। वेलकम टू आगरा मेट्रो स्टेशन। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो उसको एक बार क्लिक करके बताएं, मैं उसको पुनः पूरा करने का कोशिश ज़रूर करूंगा। और यहां से हम आ गए हैं बाहर एग्जिट पॉइंट पे, यहाँ पे सब कुछ लोकेशन जो है आपको मिलेगा, आगरा की जो खूबसूरती है किस लिए जाना जाता है, पेंटिंग डिजाइनिंग सब कुछ बना हुआ है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं अपने अंत, वीडियो काफ़ी हमारा लंबा हो चुका है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना भूल गए थे कि ये मेट्रो चलता कैसे है। तो ये इलेक्ट्रिक से चलता है, इसके वायर ऊपर नहीं बल्कि पटरियों के नीचे है, नीचे से ये चलता है। ठीक, धन्यवाद।